नमस्कार मित्रों, इस वक्त की अभी हम खड़े हैं ग्राम आउली के अंदर, जो डूब प्रभावित गांव है, और इस गांव के अंदर 138 मीटर के दायरे के अंदर कई परिवारों को सरकार ने जो है डूब क्षेत्र से बाहर कर दिया है। कल यानी 4 तारीख की शाम को 4 बजे से ही गांव की बिजली काट दी गई है। सारा शहर अंधेरे के अंदर है। गांव के कई लोग बिजली बंद होने से उनके हाल बेहाल है। गांव के अंदर एक आटा चक्की मात्र है, उसमें पिसाई बंद हो गई है। लोग दूर दूर तक आटा पिसाने जा रहे हैं। डेली कामों के अंदर भी उनको जो है बड़ी कठिनाई हो रही है। मोबाइल की बैटरी तक चार्ज नहीं हो रही है, ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो गई है, और सरकार इस तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही मसला हमारे पास गांव आउली की एक बूढ़ी माँ का देखने के लिए आया, जो बिल्कुल बेहद बीमार है और गर्मी से और परेशानी से करा रही है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है माँ आपका? गुलाब भाई। कहाँ रहते हो? आउली। अच्छा, क्या कल से क्या परेशानी है आपको? बिजली बंद होने से परेशानी हो रही है। परिवार के सारे लोग बिजली बंद होने से परेशान है। करीब 85 वर्ष की ये जो गुलाब भाई है, ये भी गर्मी के कारण जो इनका भी हाल बेहाल हो रहा है। बगैर पंखे के ऐसी स्थिति में इतनी गर्मी के अंदर व्यक्ति कैसे रह पाएगा? मूलभूत सुविधाओं को शासन ने जो है काट करके बड़ा संकट यहाँ के गांव के लोगों के लिए खड़ा कर दिया है। हम ग्राम आउली के इन 138 मीटर के दायरे से जिन लोगों को बाहर किया गया है, इन लोगों की पीड़ा को जानने के लिए आए हैं। ये सब आउली गांव के लोग हैं, महिला पुरुष हमारे सामने खड़े हैं, और इनके घर के पीछे जो नाला है, तलाई, उसके अंदर नर्मदा का बैकवाटर आ गया है और आने जाने का सारा रास्ता यहाँ पर बंद हो गया है। कल से बिजली भी यहाँ की काट दी गई है। ऐसी स्थिति के अंदर गांव के ही मायाराम जी हमारे बीच खड़े हैं, बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मायाराम। बताए क्या समस्या है? हमारे बिजली भी कटी गई तो हमको डूब से बाहर कर दिया, और ऑटो पिसाने के नापत पड़े साहब। कहाँ जाना पड़ रहा है अभी आटा पिसाने? कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। तो बिजली भी नहीं है, और गांव के अंदर सारी व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था क्या? पानी कौन सा पी रहे हो आप? पानी नर्मदा को साहब लेना नहीं जाता है, पीना पड़ता है नर्मदा का गंदा पानी। क्या नर्मदा का गंदा पानी पीना पड़ता है मजबूरी? मजबूरी में पेयजल की व्यवस्था भी बंद है? नहीं, बंद है। तो अभी आप नर्मदा के ही पानी, जो अभी डोला पानी आ रहा है, वही पीने के लिए मजबूर है। और बिजली बंद होने से आप सब लोगों के हाल बेहाल है।